गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं एकता गोयल अमूल लाइव पर आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जी, जिसको मैं बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे सिंपल तरीके से बनाने वाली हूँ। पनीर बटर मसाला, ये मोस्टली हम सबकी फेवरेट होती है, तो इसे घर पर बनाने का मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया था, तो अब जाकर ये इतनी ज़्यादा सिंपल तरीके से मुझे एक रेसिपी मिली, तो लगा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो आइए मिलकर बनाते हैं पनीर बटर मसाला। इसके लिए ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए, मैं आपको दिखाती हूँ हमें क्या क्या चाहिए। यहाँ पे मैंने लिया है टमाटर, जिसको मैंने थोड़ा सा रफली काट लिया है, ऐसे ही मैंने प्याज को काट लिया है, और थोड़ी सी मैंने बारीक प्याज काटी है, थोड़ा सा टमाटर को भी मैंने बारीक करके काटा है। तो बहुत सिंपल तरीका है इसका, हमें क्या बनाना होता है पनीर बटर मसाला। हमें सिंपल पनीर चाहिए, बटर चाहिए और मसाला। मसाला बनाने के लिए हमें मेन हमारा जो इसका टेस्ट है वो मसाले में ही छिपा है, तो मैं आपको दिखाती हूँ मसाला बनाना। बहुत सिंपल तरीका है इसका मसाला बनाने का। तो पहले मैं अपनी थोड़ा सा प्याज को फ्राई कर लेते हैं। प्याज फ्राई होगी तब हम अपना मसाला तैयार करेंगे। पनीर बटर मसाला के लिए मैं ले रही हूँ थोड़ा सा देसी घी। इसमें डालना है तेजपात का, मैं एक छोटा सा पत्ता डाल रही हूँ। दो काली मिर्च, जीरा, और इसमें अपनी ऐड करनी है ये प्याज। इसमें प्याज थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन होती है, मैं बनाती हूँ मसाला। मसाला बनाने के लिए मैं यूज करूंगी दही। मैंने यहाँ 4 चम्मच दही लिया है। देगी मिर्च, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, हल्दी पाउडर बहुत थोड़ा सा, गरम मसाला, और इसमें हमें डालना है बटर। तो मैं यहाँ यूज कर रही हूँ अमूल का सफेद बटर।
मैंने 2 क्यूब के जैसे बटर यूज किया है यहाँ। इसको जरूरी नहीं है मेल्ट करना, इसमें पड़े ही रहने देते हैं, इतने हमारी ग्रेवी बन रही है। बस इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। ये मसाला तैयार है। आप चाहें तो इसमें गार्लिक का यूज कर सकते हैं। गार्लिक को आपको अभी प्याज के साथ ऐड करना है। प्याज गोल्डन होनी स्टार्ट हो गई है तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ये थोड़ा सा अदरक। टमाटर जब प्याज अच्छे से पक जाए तभी डालना है। टमाटर डालने के बाद प्याज का फ्लेवर वहीं रुक जाएगा, तो प्याज अच्छे से पकेगा नहीं तो टेस्ट नहीं आएगा। ऑलमोस्ट प्याज हो गई हैं। यहाँ पे जो मैंने रफली चॉप किए हुए टमाटर हैं वो डाल रही हूँ। यहाँ पे मैं डालूंगी नमक टेस्ट के हिसाब से। बहुत थोड़ी सी चीनी, आधा चम्मच से भी कम मैंने यहाँ चीनी डाली है, जिससे दही की खटास आए, थोड़ी सी चीनी की स्वीटनेस आए और नमक अपना टेस्ट देगा ही। यहीं पर मैं हरी मिर्च, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, मैं सिर्फ एक हरी मिर्च का यूज कर रही हूँ क्योंकि थोड़ी तेज मिर्च आ रही है आजकल, हमारे यहाँ तो बहुत तेज मिर्च आ रही है। इसमें ऐड करना है थोड़ा सा पानी, जिससे ये टमाटर अच्छे से पक जाए, और ढक देना है। अब हम करते हैं अपने पनीर को। यहाँ मैं ऐड करूंगी थोड़े से काजू। यहाँ मैं ले रही हूँ पनीर, अमूल का फ्रेश पनीर। यहाँ मैं पनीर को फ्राई नहीं करूंगी, तो मैं थोड़ा सा नमक के पानी में पनीर को डाल के छोड़ रही हूँ 5 मिनट के लिए, जिससे कि पनीर में फ्लेवर आ जाए और पनीर सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए।
यहाँ मैं डालूंगी गरम पानी। थोड़ा सा सॉल्ट, इसे 5 मिनट के लिए रख देंगे। ये ग्रेवी भी हमारी यहाँ पे ऐड करेंगे ये मसाला जो बनाया था हमने दही वाला। इसे चलाते रहना है, नहीं तो दही फट जाएगी। मैं आपके साथ एक अपना एक टिप शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपकी दही बाई चांस फट जाती है या दूध क्रीम फट जाते हैं, तो उसके लिए आपको पहले ना गैस को बंद कर देना है। उसके बाद हल्का सा ठंडा करने के लिए उसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डालना है, जो भी हमारी टमाटर प्याज की ग्रेवी है। और जब वो हल्का सा ठंडा हो जाए तो तब आपको अपना उसमें दही क्रीम ऐड करना है, जिससे कि क्रीम या हमारी दही फटे नहीं। अगर वो फट जाती है तो उसमें थिकनेस नहीं आती। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हम लोग पहले सोचते हैं कि हाँ आज बटर मसाला बनाएं या कुछ भी, तो पहले हम यही सोच लेते हैं टाइम ज़्यादा लगेगा। टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, जितना हम नॉर्मल सब्जी में लगता है उससे 5-10 मिनट एक्स्ट्रा बस। चॉपिंग मैंने की हुई है, अदरवाइज आप चॉपिंग भी हाथों हाथ कर सकते हैं तो भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब ये तैयार हो गई है तो इसको पीसना है, तो आप इसको मिक्सर में भी पीस सकते हैं, ब्लेंडर से भी पीस सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा गर्म है, थोड़ा ठंडा करके पीसना है, पर मैं यहाँ ठंडा करने का मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। इसको 2 बार में मैं ब्लेंडर से ब्लेंड करूंगी, क्योंकि ज़्यादा होने से बाहर आ सकता है। करना है, जिससे कि अगर हमारा काजू जितना ज्यादा पिसेगा हमारी जो ग्रेवी है वो उतनी ज्यादा थिक होगी।
बड़े बर्तन में ही करके करती हूँ तो ज्यादा अच्छा होगा। अब ये मेरे अच्छे से हो गई है तो इसको थोड़ा सा छानना तो है ही, बिना छाने ये नहीं बनेगी। इतने में इसे छानने के लिए हेल्प लेती हूँ, आपको मैं दिखाती हूँ कि पनीर की ग्रेवी अब स्टार्ट कैसे करते हैं। खाली इसको पीसने से हमारा बटर मसाला नहीं तैयार होगा, उसके लिए हमें बटर का फ्लेवर देना बहुत जरूरी है। इसके लिए वापस मैंने इसी कढ़ाई को रख दिया है गैस पे। अब मैं इसमें घी वगैरह कोई यूज नहीं करूंगी, मैं ले रही हूँ बटर, वही अमूल का व्हाइट बटर मैंने यूज किया है। मैं डाल रही हूँ वो बारीक कटी हुई प्याज, अब इसमें जो खुशबू आ रही है वो बटर की आ रही है। इधर मैं अपना ग्रेवी को छान रही हूँ और मेरी प्याज भून रही हूँ। प्याज को बहुत अच्छे से ही भूनना है जिससे कि ये हल्की सी मुलायम भी हो जाए। ये प्याज भून गई है, इसमें मैंने डाल दिया बारीक कटा हुआ टमाटर।
इसे भी अच्छे से पकाना है। देखो थोड़ा सा आप ये लोग ये सब तो जानते हैं कि थोड़ा सा सब्जी बनाने में टाइम तो लगता ही है। ऐसा तो नहीं है कि आलू काटे गाजर काटी या सब्जी बन गई। एक नॉर्मल हमें आलू की सब्जी बनाने में भी टाइम लगता है, तो ये तो हमारी रेस्टोरेंट में स्टाइल है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। मुझे पता है बहुत से सब सोच रहे होंगे लोग कि इतने टाइम में क्या लाइव देखें, तो अगर कुछ अच्छा देखना है तो थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा। थोड़ा सा टमाटर को मैश कर देंगे। वो भी मैंने इसलिए किया है थोड़ा टाइम लाइव में कम होता है, अदरवाइज आप इसे बहुत अच्छे से पकाने के बाद स्पून से भी मैश कर सकते हैं। मैं चाहती तो खाली ये ग्रेवी बनाने के बाद भी सिंपल बनाएगी, तो जब हमारा बटर मसाला ही बन रहा है तो मसाला अच्छे से बनाए ना। ये ग्रेवी है जिसको मैंने अच्छे से छान लिया है, इसको मैंने ऐड कर दिया है। हाय एवरीवन, थोड़ा सा कलर के लिए मैं डालूंगी देगी मिर्च और थोड़ा सा कलर भी फ्लेवर भी। ये क्रीमी क्रीमी बटर मसाला तैयार है, अब हम इसमें डालेंगे पनीर। आप देखेंगे लाइव को स्टार्ट ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 25 मिनट 20 मिनट में मैंने सब्जी को तैयार कर दिया है, तो आप देखेंगे नॉर्मली 15-20 मिनट और एक्स्ट्रा मान लीजिए प्रिपरेशन के लिए, तो आधा पौना घंटे में आपको रेस्टोरेंट स्टाइल बटर मसाला मिल जाएगा। आप इसमें न्यूट्रिला का भी डाल सकते हैं, पनीर डालेंगे पनीर बटर मसाला आपका बिल्कुल रेडी है। हमें पनीर को ध्यान रखना है कि हमें फ्राई नहीं करना है, हमें फ्रेश पनीर। हल्का सा मैं डालूंगी यहाँ पे नमक, और फ्लेवर के लिए मैं यहाँ डाल रही हूँ हरा धनिया। बिना हरा धनिया के कोई फ्लेवर नहीं आता ऐसा मुझे लगता है। अब ये बिल्कुल तैयार है, आप चाहें तो इसमें फिर से और थोड़ा बटर ऐड कर सकते हैं, पर मुझे इसमें कोई नीड नहीं लग रही है तो मैं नहीं डालूंगी।
मैं ऐड करूंगी पनीर। ओहो, आप एक बार इसे ट्राई कीजिएगा, मेरी रेसिपी को। बहुत इजी और बहुत सिंपल रेसिपी है, ट्रस्ट मी, बहुत ही यमी लगने वाली है। तो इसकी प्लेटिंग करते हैं। पनीर को मैंने नमक में पहले ही बॉईल कर दिया था, बॉईल नहीं सॉरी सॉफ्ट भिगो के रख दिया था, तो उसने अपना फ्लेवर ले लिया है। थोड़ी सी क्रश करके डालनी है कसूरी मेथी। तो सर्व करते हैं। इसके साथ नान, लच्छा पराठा, आप कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। कलर फ्लेवर सब ऑसम है, बाकी आप एक बार ट्राई कीजिएगा। बहुत सिंपल रेसिपी है, पर हाँ हमें इसके तड़के लगाने जरूरी हैं, जितने लगाए हैं मैंने, क्योंकि एक दो तड़के से काम नहीं चलेगा, पूरे तीन इसमें मसाले तैयार करने ही होंगे। और ये थोड़ी सी अमूल फ्रेश क्रीम जो रेसिपी को फाइनल लुक दे रही है। आप देखेंगे पनीर बटर मसाला बिल्कुल रेडी है, खाने के लिए तैयार है। तो आप भी जल्दी से एक बार इसे ट्राई कीजिएगा, देन मुझे बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। ओके बाय, टेक केयर।